वेलकम फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी शैल बी टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन। वेल गाइस, थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। इट विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मैथ्स टू, सो आपको MME की भी याद आ सकती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन। वेल, प्रोडक्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। एक सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं दैट क्वांटिटी दैट इज आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ सो मेनी थिंग्स लाइक KLM, वेयर क्यू इज आउटपुट, K इज मशीन, L इज लेबर, M इज रॉ मटीरियल। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, वेल, इट रेफर्स टू चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वन ऑफ द प्रोडक्टिव इनपुट्स। इट कुड बी चेंज इन K, इट कुड बी चेंज इन L, इट कुड बी चेंज इन M। अब मेरा बेटा देखिए, जेनरिक फॉर्म में तो प्रोडक्शन फंक्शन इस तरह से लिखा जाता है जो मैंने अभी आपको बताया, बट क्योंकि टू डायमेंशनल डायग्राम होता है सो इट्स एडवाइजेबल टू वर्क विद टू इनपुट्स। तो मैंने प्रोडक्शन फंक्शन को सिंप्लीफाइड वे में लिखा, सिंप्लीफाइड वर्जन उसका। द फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर गुड क्यू शैल बी क्यू इज अ फंक्शन ऑफ KL। सो ये भी ठीक है, बट फॉर एनालिसिस पर्पसेस वी विल बी गोइंग विद दिस सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, सिंस वी नीड टू हैव टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दैट डायग्रामेटिकली। अब आते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। वेल गाइस, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। इट रेफर्स टू द एडिशनल आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग वन मोर यूनिट ऑफ दैट इनपुट होल्डिंग अदर इनपुट्स कांस्टेंट। आइए मैथमेटिकली देख लेते हैं। सो आपको पता ही है, मैथमेटिकली पूरे आउटपुट फंक्शन को आप K से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो MP ऑफ K मिलेगा, जिसको FK से शो कर रहे हैं, और अगर पूरे प्रोडक्शन फंक्शन को आप L से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू L तो MP ऑफ L मिलेगा, जिसको हम FL बोल रहे हैं। इट्स लाइक जैसे कंज्यूमर थ्योरी में आप जब MU ऑफ 1 निकालते थे तो आप टोटल यूटिलिटी फंक्शन को गुड 1 से डिफरेंशिएट करते थे, MU ऑफ 2 निकालते थे तो टोटल यूटिलिटी फंक्शन को गुड 2 से डिफरेंशिएट करते थे। We notice that the mathematical definition of MP use partial derivatives, thereby showing that all other inputs are held constant while the input of interest is being varied. तो ये और उस बात को मजबूत करता है कि हमने बाकी फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट रखकर ही इसको सॉल्व किया है, सिर्फ एक इनपुट में चेंज लाए हैं, बिकॉज पार्शल डेरीवेटिव की तो प्रॉपर्टी ही यही है। नेक्स्ट है गाइस, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। वेल, MP ऑफ एन इनपुट डिपेंड्स ऑन हाउ मच ऑफ दैट इनपुट इज यूज। फॉर एग्जाम्पल, लेबर के नॉट बी एडेड इनडेफिनेटली टू अ गिवन लेवल और गिवन फील्ड विदाउट शोइंग सम डिटेरिएशन इन इट्स प्रोडक्शन इवेंचुअली। तो आप ये तो मानेंगे ना कि जैसे जैसे आप सपोज लेबर फिक्स रखा, रादर लैंड फिक्स रखा आपने, और या कैपिटल फिक्स रखा आपने, और लेबर बढ़ाते गए, तो एक लिमिट तो ऐसी आएगी ना जब उसकी प्रोडक्टिविटी गिरनी शुरू हो जाएगी। मैथमेटिकली इसको हम सेकेंड ऑर्डर कंडीशन से दिखाते हैं। सो मैथमेटिकली दिस प्रॉपर्टी और अजम्पशन इज सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। तो आपने पहले MP के ऑफ निकाल लिया होगा, दोबारा MP ऑफ K को K से डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा MP ऑफ L को L से डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन विच विल बी लेस देन जीरो FKL रिस्पेक्टिवली। आई होप यहाँ तक क्लियर मेरे बच्चों। Now, this assumption of diminishing marginal productivity is one-sided. Change in MPL over time depends not only on how labor input is growing but also on changes in other inputs such as K. Therefore, we must also be concerned with cross productivity, which is MP of L, यानी productivity, marginal productivity of labor with respect to change in K as well. तो अभी तक आपने ये सीखा था अपने स्कूलिंग में कि आपका जो लेबर का प्रोडक्टिविटी है या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि लेबर कितना यूज़ हो रहा है। अब हम आपको ये सिखाएंगे बेटा कि वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि लेबर कितना यूज़ हो रहा है, बट वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कैपिटल, जो कि दूसरा फैक्टर है, वो कितनी क्वांटिटी में आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट है गाइस, एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी, दैट शुड बी सिंपल, दैट शुड बी क्यू बाय एल, एंड क्यू इज़ योर फंक्शन KL एंड अपॉन L। तो मैं यहाँ पे दो एग्जांपल्स के साथ आपको अभी तक जो सीखा है उसकी ट्राई करते हैं समझाने की। सपोज द प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन एज क्यू इज अ फंक्शन ऑफ KL 600 K² L² माइनस K³ L³ विद K इज इक्वल टू 10। तो हमें सबसे पहले इस प्रोडक्शन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर देना है। ये K 10 है, यहाँ पे जहाँ जहाँ पर K है मैंने 10 पुट किया, दिस इज व्हाट आई हैव गॉट। अगर मुझे MP निकालना है तो मैं इस पूरे प्रोडक्शन फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू L डिफरेंशिएट करूंगा, दिस शैल बी माय MP ऑफ L। आई होप दैट्स क्लियर। नाउ विच फॉल्स एज L इंक्रीजेस, क्योंकि वो आपको पता ही है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, इवेंचुअली बिकमिंग नेगेटिव। दिस इंप्लाइज दैट क्यू रीचेज अ मैक्सिमम सेटिंग MP ऑफ L इज इक्वल टू 0। आप 12 अपने स्कूलिंग में भी करते थे, जब MP 0 होता था तो TP मैक्सिमम होता था। तो मेरे बच्चों, MP आप निकाल चुके हो, दिस इज योर MP, ठीक है। अब इसको मैक्सिमाइज करते हैं। सो हमने रखा MPL को 0 के बराबर, L की वैल्यू आ गई 40। ये जो L की वैल्यू 40 है बच्चों,
If you put that in this production function of yours, it will give you total production or total output when MP is 0. ठीक है, अब इफ़ यू इंक्रीज लेबर बियॉन्ड 40 से टू 50, अब आपने तो ये देखा ना कि जब एमपी जीरो था तो लेबर 40 था और 32 मिलियन आउटपुट आ रहा था। अब हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर उसके बियॉन्ड हम लेबर यूज़ करेंगे तो टीपी गिर जाएगा। तो अगर लेबर 40 के बजाय आप 50 यूज़ करते हो फॉर एग्जाम्पल उसी प्रोडक्शन फंक्शन में, तो दिस इज कमिंग अप एज 25 मिलियन, अर्लियर इट वॉज 32। अब बात करते हैं एपी की, वेल एपी का फॉर्मूला लगा लिया, दैट वॉज योर टीपी। ठीक है, क्यू और टीपी इज वन एंड द सेम थिंग, इसको एल से डिवाइड करूंगा, दिस इज ए पी ऑफ एल। नाउ दिस इज एन इन्वर्टेड पैराबोला दैट रीचेड दिस मैक्सिमम व्हेन वी यू नो मैक्सिमाइज इट, तो हमें एल मिल गया 30। अब आप ए पी को मैक्सिमाइज कर दो विद यू नो बाय डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एल, दिस इज एल 30। एंड अगर आप इसको नोटिस करेंगे एट दिस वैल्यू ऑफ लेबर इनपुट बोथ ए पी एंड एम पी 9 लाख निकलेगा। आइए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं आपके लिए। देखिए बच्चों, ये आपका टीपी रहता है इस केस में, ये आपका एमपी रहता, माइंडेड एमपी पर जहाँ पे एमपी जीरो लेबर 40 था, ये आपका एपी रहता बच्चों, और जहाँ पे आपका एपी मैक्सिमम है वो होता 30। सो दिस इज हाउ यू कैन इंटरप्रेट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। इफ यू थिंक दैट यू नीड वन मोर एग्जाम्पल, I have you covered. आइए देखते हैं example 2. Suppose the production function is given by Q as is equal to KL minus 0.8 K square minus 0.2 L square, where K again is 10. So at what level of labor input does AP reach a maximum? How many units are produced at that point? तो अब सोचो ध्यान से, आपको वो कह रहा है at what level of labor input does AP reach a maximum? तो कुछ steps लगाते हैं। सबसे पहले K को यहाँ पे 10 put करके इसको simplify कर देंगे, आपके पास टीपी आ जाएगा या यू नो प्रोडक्शन फंक्शन आ जाएगा। अब एपी के लिए आप उस प्रोडक्शन फंक्शन को एल से डिवाइड कर देंगे, यू विल बी गेटिंग एपी। उसके बाद उस एपी को लेबर से डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज करूंगा, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि लेबर इनपुट की वैल्यू कितनी है जहां पर एपी मैक्सिमम है, जैसे इस केस में 30 आया था। तो जहां मेरे को लेबर की वो वैल्यू मिल गई, अब आगे वो क्या कहता है, हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रोड्यूस एट दैट पॉइंट, तो फिर वो जो मैंने प्रोडक्शन फंक्शन बना रखा होगा एल की वैल्यू उसमें डाल दूंगा। आइए देखिए, सो दिस वॉज द अर्लियर प्रोडक्शन फंक्शन विद के 10, हमने ये फिक्स कर दिया। ए पी एल लिए जो मैंने बताया, ए पी मैक्सिमम जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल और आप मैक्सिमाइज करेंगे, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ से एल सॉल्व कर लिया मेरे बच्चों आपने, दैट इज कमिंग अप एज 20। दिस एल 20 शुड बी पुट हेयर टू गेट द टोटल यूनिट्स विच यू आर प्रोड्यूसिंग वेन ए पी इज मैक्सिमम। आप आराम से देख लीजिए, आई होल्ड इट। सो आई होप इट इज क्लियर। अब मेरा बेटा इसी का एक और पार्ट है, एट वट लेवल ऑफ लेबर इनपुट डज एम पी ऑफ एल जीरो। तो आप अगेन पहले उस प्रोडक्शन फंक्शन से एम पी निकाल लोगे, कैसे, बाई डिफरेंशिएटिंग द होल प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल। वंस यू हैव इट, तो फिर मेरा बच्चा आप उसको जीरो के बराबर रखकर एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोक्वांट। वेल मेरे बच्चों, मैं यहाँ पे जो जगह है इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। आपको याद है आप ऐसे आईसी बनाते थे? हाँ सर बनाते थे। आईसी क्या होता है? सर इंडिफरेंस का विजर का विशोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ईच गिविंग इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल मेरे बच्चों, देखिए इसी की बिरादरी का है, इसी की तरह दिखेगा, दिस इज कॉल्ड आइसोक्वांट। सर दोनों में फ़र्क क्या है? बेटे यहाँ लेते थे गुड वन गुड टू, यस सर। यहाँ लोगे टू इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल। यहाँ शो करते थे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यस सर। यहाँ शो करोगे लेवल ऑफ आउटपुट। सो आइसोक्वांट इज अ कर्व विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स वेयर ईच कॉम्बिनेशन इज गिविंग यू सेम लेवल ऑफ आउटपुट। आईसी क्या होता था? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन। आइसोक्वांट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स वेयर ईच कॉम्बिनेशन इज गिविंग यू सेम लेवल ऑफ आउटपुट। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन आइसोक्वांट शोज दोज कॉम्बिनेशन ऑफ के एंड एल दैट कैन प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट से क्यू नॉट। मैथमेटिकली एन आइसोक्वांट रिकॉर्ड्स द सेट ऑफ के एंड एल दैट सेटिस्फाई अ गिवन आउटपुट। सो एफ के एल इज इक्वल टू क्यू नॉट। अच्छा, आइसोक्वांट नाम क्यों है वो भी लिखा हुआ मैंने। आइसोक्वांट मीन्स इक्वल क्वांटिटी। अब आते हैं आइसोक्वांट मैप। तो बेटा जैसे अलग तीन चार आईसीज बना देते थे ना, उसको इंडिफरेंस मैप बोलते थे, ऐसे अलग अलग आइसोक्वांट्स बना दोगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज आइसोक्वांट मैप। सो फैमिली ऑफ आइसोक्वांट कर्व्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ आउटपुट शोन ऑन द सेम डायग्राम। अगर आप चाहें तो मैं छोटे से बना देता हूँ, लाइक IQ1, IQ2, IQ3 एंड ऑब्वियसली IQ3 शुड बी शोइंग मोर आउटपुट देन IQ1।
मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। वेल मेरे बच्चों, जब कंज्यूमर थ्योरी पढ़ते थे तो MRS निकालते थे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, उसका फॉर्मूला क्या होता था? सर उसका फॉर्मूला था सर MU1/MU2। बिल्कुल, अब बेटे प्रोडक्शन करते हुए हम MRS टर्म यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं टर्म मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, ऑल्सो नोन एज RTS, रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। इसके बारे में दो चार बातें हैं जो आपको अच्छे से सीख लेनी चाहिए। पहला, RTS shows the rate at which labor can be substituted for capital while holding output constant along an isoquant. अब IC में जब आप MRS करते थे तो आप क्या करते थे? MRS is the rate at which consumer can substitute one good for the other in order to have same satisfaction. तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? It is the rate at which, you know, factors of production can be substituted holding output constant. वहाँ पर क्या होता था? Holding satisfaction constant. सो ये RTS का हमने एक सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन दिया। अब ये बना कैसे हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ये सेम चीज़ मैं आपको चैप्टर 4 और 5 की कंज्यूमर थ्योरी की वीडियो में सेम डेरिवेशन यूटिलिटी के साथ सिखा चुका हूँ। आइए अब बात करते हैं प्रोडक्शन के साथ। सो वी नो दैट Q इज़ अ फंक्शन ऑफ KL, वी कैलकुलेट द टोटल डिफरेंशियल ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। दिस इज द सिंपल प्रोसेस विच आई एम फॉलोइंग, कीपिंग दिस एज जीरो बिकॉज आउटपुट आपका फिक्स्ड है। सो उसमें चेंज नहीं आएगा कोई, और जब आप ये सॉल्व करेंगे दिस इज व्हाट यू गेट। द क्रैक्स हियर इज मेरा बच्चा कि जब आप MRS करते हो तो MRS होता है MU1/MU2 या MU(x)/MU(y), लेकिन बेटा RTS या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन होता है बच्चों MP(L)/MP(K). क्यों? उसका भी लॉजिक सिंपल है। लेबर आप एक्स एक्सेस पर लेते हो, कैपिटल आप वाई एक्सेस पर लेते हो, गुड वन गुड टू इज लाइक दैट। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप कंज्यूमर थ्योरी कर रहे हैं तो यू विल बी यूजिंग MRSs, लेकिन मेरे बच्चों अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यू विल बी यूजिंग MRTS। इन MRS यू टेक MU(x)/MU(y), इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन यू टेक MP(L)/MP(K). एक चीज़ मैं और ऐड कर लूँ, ये मैंने स्मॉल एल लिखा है और यहाँ पे स्मॉल क्यू लिखा है। आगे हो सकता है मैं स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू लिख दूँ, कई जगह स्मॉल एल की जगह कैपिटल एल लिख दूँ, तो वो एक ही बात है, आप उससे कन्फ्यूज ना होइएगा। सो देयरफॉर RTS इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट्स ऑफ द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो अ रैशनल प्रोड्यूसर विल एम्प्लॉय लेबर और कैपिटल एज लॉन्ग एज MPs ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज पॉजिटिव और एट द लिमिट वेयर इट इज इक्वल टू जीरो। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करा रहा हूँ आपके लिए, है नहीं बट फिर भी। अ रैशनल प्रोड्यूसर शैल नेवर एम्प्लॉय लेबर और कैपिटल व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नेगेटिव, देयरफॉर MP(L) एंड MP(K) विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए बच्चे, ये एक आइसोक्वांट है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इसको एक कंसेप्ट यूज करते हैं रिज लाइंस, जो आपके लिए है नहीं बट फिर भी बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, दिस इज कॉल्ड अपर रिज लाइन, दिस इज कॉल्ड लोअर रिज लाइन। तो मतलब ये है कि बेटा देखो, इस दौरान तो MP(K) और MP(L) पॉजिटिव है, यहाँ पर MP(K) जीरो हो जाएगा, यहाँ पर MP(L) जीरो हो जाएगा। इसके बियॉन्ड लेबर की प्रोडक्टिविटी नेगेटिव, इसके बियॉन्ड कैपिटल की प्रोडक्टिविटी नेगेटिव। तो ऑब्वियसली रैशनल प्रोड्यूसर इस रेंज में ही प्रोड्यूस करेगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। इसका फायदा आपको मिलेगा जब आप नेक्स्ट चैप्टर कॉस्ट करोगे और मेरे साथ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम या कॉस्ट मिनिमाइजेशन कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे। आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, रीजंस फॉर डिमिनिशिंग RTS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर थ्योरी का क्वेश्चन आया इस चैप्टर में से तो यही आएगा। सो इसको मैथमेटिकली डिराइव भी करेंगे यंग्स थ्योरम यूज करके, और थोड़ा सा थ्योरी भी मैं पहले बता देता हूँ। The isoquants have a negative slope. They are also convex to the origin. Along any one of the curves, RTS is diminishing. For high ratios of K12, the RTS is a large positive number, indicating that a great deal of capital can be given up if one more unit of labor becomes available. On the other hand, when a lot of labor is already being used, the RTS is low. So if you are wondering, sir, क्या मतलब क्या इसका? मतलब वही है जो आप IC में भी कर चुके हो। सर क्या? Convexity. Convexity क्या होती थी? शुरू में sacrifice ज़्यादा, फिर sacrifice कम, फिर sacrifice और कम। Same चीज़ यहाँ पर apply हो रही है। आप कहते थे ना IC is convex to the origin due to diminishing MRS, यही चीज़ यहाँ पर भी है, उसी को हमने प्रोडक्शन के फॉर्म में लिखा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट्स आने हैं। वन माइट से दैट इंक्रीज इन एल विद फॉल इन के वुड रिजल्ट इन फॉल इन MP(L) एंड राइज इन MP(K) बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि लेबर बढ़ाओगे MP गिर जाएगी, कैपिटल कम करोगे MP बढ़ जाएगी, एंड देयरफॉर डिक्रीज इन RTS, क्योंकि RTS का फॉर्मूला MP(L)/MP(K) पर अ वर्ड ऑफ कॉशन। But we should understand marginal production or productivity depends on the level of both inputs, that is change in L affects MPK as well and vice versa.
ऐसा नहीं है कि आप एल चेंज करोगे तो एमपी ऑफ एल पे ही उसका असर आएगा, एमपी ऑफ के पे भी असर आएगा, वही क्रॉस प्रोडक्टिविटी जो पहले भी थोड़ा सा हिंट दिया मैंने। इसी प्रकार अगर आप कैपिटल चेंज करोगे तो वो कैपिटल के एमपी के पे तो फर्क लाएगा लाएगा, एमपी ऑफ एल पे भी फर्क लाएगा। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिराइव डिमिनिशिंग आरटीएस फ्रॉम द अजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अलोन। अब खाली इसके हिसाब से अगर आप निकालते तो आप पता क्या कहते हैं, सर देखो मैं ना लेबर बढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा तो सर एम पी ऑफ एल कम हो जाएगा। अच्छा भाई सर क्योंकि तो गिवन इनपुट होते हैं, मैंने कहा हाँ तो लेबर बढ़ेगा तो कैपिटल कम हो जाएगा क्योंकि एक बढ़ाऊंगा एक इनपुट बढ़ाऊंगा एक कम, मैंने कहा हाँ तो सर देखो एम पी ऑफ के बढ़ जाएगा। मैंने कहा भाई कहना क्या चाहता है, कहता है सर ये देखो आप देखो आर टी एस का क्या फॉर्मूला बताया था आपने, क्या एक्सप्रेशन, मैंने कहा एम पी ऑफ एल अपॉन एम पी ऑफ के, कहता है सर देखो ये घट रहा है ये बढ़ रहा है तो आर टी एस तो घटेगा ना। तो आपको ये बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा कि ओके यार बात तो सही है यार एकदम सही है, लेकिन मेरे बच्चों सिर्फ इसके बेसिस पर आप नहीं कर सकते डिमिनिशिंग आरटीएस की प्रॉपर्टी को सेटल। रीज़न मेरे बच्चों आप ये भूल रहे हैं या आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका लेबर बढ़ेगा तो एम पी ऑफ एल घटेगा बट वो एम पी ऑफ के को भी इन्फ्लुएंस करेगा। सिमिलरली अगर कैपिटल कम हो रहा है तो एम पी ऑफ के बढ़ेगा मगर वो एम पी ऑफ एल को भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो उसको मैं मैथमेटिकली अभी सिखाऊंगा, ऑब्वियसली टू कीप दी लेंथ शॉर्ट मैं सिर्फ आपके साथ डेरिवेशन शेयर करूंगा और वो यंग्स थ्योरम है जो आप एम एम ई में भी कर चुके हैं। आइए पढ़ते हैं आगे के कुछ पॉइंट्स। सो टू सी वाई दिस इज सो मैथमेटिकली अज्यूम दैट क्यू इज अ फंक्शन ऑफ के एल एंड एफ एल एंड एफ के आर पॉजिटिव, वो तो हमने माना था मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज पॉजिटिव होते हैं। अज्यूम ऑल्सो दैट द सेकंड ऑर्डर कंडीशन वो लेस देन जीरो थी, वो डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सो टू शो दैट आइसोकॉन्स आर कॉन्वेक्स वी वुड लाइक टू शो दैट चेंज इन आर टी एस ड्यू टू चेंज इन एल इज लेस देन जीरो, और क्योंकि आर टी एस इज इक्वल टू दिस तो अब हम आपको ये प्रूव करेंगे यंग थ्योरम के साथ। एग्जाम्पल मैं उसके बाद आपको कराता हूँ एग्जाम्पल्स फॉर डिमिनिशिंग आर टी एस, बट पहले एक बार वो यंग थ्योरम आप देख लें। चले आई होप आपको वो डेरिवेशन समझ आ गया होगा। तो अगर पेपर में आता है रीजंस फॉर डिमिनिशिंग आरटीएस तो बेटा वो डेरिवेशन आपको करनी ही होगी। डाउट्स के लिए आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। आइए अब एक एग्जांपल देते हैं आपको डिमिनिशिंग आरटीएस का और उसके थ्रू बताते हैं कि कोई फॉरगॉन कंक्लूजन इसके अंदर नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन एरे ऑफ फैक्टर्स। आइए पढ़ते हैं। सो अगेन सेम प्रोडक्शन फंक्शन लिया, एम पी ऑफ एल निकाल लिया, एम पी ऑफ के निकाल लिया नॉर्मली बाय डिफरेंशिएटिंग द होल थिंग विद एल एंड बाय डिफरेंशिएटिंग द होल थिंग विद के। Notice that each of these depends on the value of both inputs. आप देख लो एम पी ऑफ एल में एल और के दोनों हैं, एम पी ऑफ के में भी एल और के दोनों हैं। सिंपली फैक्टरिंग शोज दैट देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विल बी पॉजिटिव फॉर वैल्यूज के एंड एल फॉर विच के एल इज लेस देन 400। तो वो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन लगाई, ये वैल्यूज आ गई। सो इट्स क्लियर दैट दिस फंक्शन एग्जिबिट्स डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉर सफिशियंटली लार्ज वैल्यूज ऑफ के एंड एल। इंडीड फैक्टरिंग ईच एक्सप्रेशन अगेन इट इज ईजी टू शो दैट ये जो आपकी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन लेबर की है वो ये बताएगी और कैपिटल की है वो ये बताएगी कि इट विल बी लेस देन जीरो इफ दिस एल के वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो। आगे बढ़ते हैं रादर 200। So, however, even within the range 200 less than KL less than 400, where the marginal productivity relation for this function behave normally, this productive function may not necessarily have diminishing RTS. Cross differentiation of either of the marginal productivity function yields this. तो क्रॉस अगर आप करते हो वही क्रॉस प्रोडक्टिविटी देखते हो तो आप देख रहे हो विच इज पॉजिटिव ओनली फॉर दिस रेंज। सो न्यूमरेटर विल बी नेगेटिव फॉर दिस बट फॉर लार्ज स्केल स्मॉल स्केल के लिए वो नेगेटिव नहीं आ रहा। In short, the assumption of diminishing marginal productivity yields an unambiguous prediction about what will happen to the RTS if labor rises and K falls. कि एक कोई foregone conclusion नहीं ले सकते आप, बहुत सारी चीज़ों पर depend कर रहा है वो इस बात पर भी depend कर रहा है कि किस range of output पर आप produce कर रहे हो।
So it all depends on the relative effect on MPs, that is marginal productivities, which tend to reduce F1 and increase FL and increase FK. So this is just for the explanation ki diminishing RTS ek foregone conclusion nahi hai. अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, विच इज़ कॉल्ड रिटर्न्स टू स्केल. बेटा ये ना लॉन्ग रन फिनोमिना है, कुछ एग्जांपल्स आपको सिखाऊंगा. पेपर के लिए ये भी जो रिटर्न्स टू स्केल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको 10 years में काफ़ी दिखेगा. आइए पढ़ते हैं. Here we study the behavior of output when all the factors of production can be varied. Here we see the relationship between inputs and outputs in the long run. In the long run, all factors of production can be changed. Thus, the firm can change its scale of operations as well. Scale of operations का मतलब होता है आपके production की capacity ही बढ़ गई. तो मैंने पहले एक normal तरीके से किया है, फिर थोड़ा mathematically किया है, आइए आपको सिखाते हैं. अगर आप input 10% बढ़ाओ, सारे factors of production 10% बढ़ाओ और आपका output उससे ज़्यादा बढ़ जाए, लाइक 12%, तो हम बोलते हैं increasing returns to scale है. अगर आपके inputs यानी factors of production 10% बढ़ाओ और आपका output 10% ही बढ़े, तो हम बोलते हैं constant return to scale. अगर आपके factors of production या inputs 10% बढ़ाओ लेकिन आपका output उससे कम से 8% बढ़े, तो हम बोलते हैं diminishing returns to scale. अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मैंने K और L को T से मल्टीप्लाई करा. T कुड बी एनी नंबर्स, को ऐसे भी कह सकते हो डबल कर दिए मैंने इनपुट्स. और अगर आपका आउटपुट भी डबल हो गया तो कांस्टेंट, ठीक है. अब अगर आपने इनको डबल करा लेकिन ये इससे लेस रहा पुराने आउटपुट से, तो डिक्रीजिंग. अगेन आपने इसको डबल करा और पुराने फंक्शन से ज़्यादा आया ये, तो इंक्रीजिंग. सो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं. इसके बारे में थोड़ी बातें और करते हैं. उससे पहले मैं आपको ये कराने से पहले आपको कुछ फंक्शंस पहले सिखा देता हूँ, एग्जांपल्स पहले सिखा देता हूँ. तो सपोज हमारे पास एक प्रोडक्शन फंक्शन है, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ के एल, ए के रेस टू द पावर 0.5, एल रेस टू द पावर 0.5. तो मैंने इस फंक्शन को वाई नॉट बोल दिया और जी से मल्टीप्लाई करा इनपुट्स को. अगर मैं इनपुट्स को जी से मल्टीप्लाई करूँगा तो के और एल दोनों जी से मल्टीप्लाई होंगे. सॉल्व किया, मेरे पास आ गया जी वाई नॉट. तो y नॉट मेरा प्रोडक्शन फंक्शन था, तो मैंने इनपुट को z से मल्टीप्लाई करा, मेरा आउटपुट भी z से ही बढ़ा, तो सेम बढ़ा, इसलिए कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. अगला आपको दिया होगा ak 0.4 l 0.7, तो अगेन मैंने इसको y नॉट बोला, k और l को z से मल्टीप्लाई किया, z को k से, z को l से, फिर इसको सॉल्व किया, ये बाहर ले आया. और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया जी 1.1 इंटू वाई नॉट, यानी आपके आउटपुट, आपके इनपुट तो जी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका आउटपुट 1.1 जी से बढ़ रहा है या जी 1.1 से बढ़ रहा है, यानी ज़्यादा से बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. अब आपको फंक्शन दिया 2k+l, तो अगेन मैंने क्या करा, इन इनपुट्स को जी से मल्टीप्लाई करा और मेरे पास आ गया अगेन सेम कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. एक और है अब 3kl, तो अगेन मैंने इनपुट्स को मल्टीप्लाई करना है. सपोज अब मैंने नंबर्स के साथ किया 2 से, आप z से, k से, h से, किससे भी कर सकते हैं. सो 2k 2l, सो 3 × 2k × 2l, सॉल्व करा 4 × y0. और आपने नोटिस किया होगा आपने इनपुट्स को तो 2 से गुणा किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, आउटपुट आपका 4 गुना बढ़ रहा है. दैट हैज़ टू बी अ केस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. फिफ्थ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. हमारा फंक्शन है k.5 l.5 + a bar. ये जो प्लस ए बार है, इट्स अ फिक्स फैक्टर, एज यू कैन सी इट्स अ फिक्स कोटेशन. इट कुड बी टेक्नोलॉजी विच यू नो वी आर एज्यूमिंग इट टू बी कांस्टेंट. सो अगेन मैंने वाई नॉट लिखा इस प्रोडक्शन फंक्शन को, जी से मल्टीप्लाई करा इनपुट्स को, दिस नॉट, क्योंकि एक फिक्स वैल्यू है. और फिर मैंने इसको सॉल्व करा और मेरे पास आ गया डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि जो भी असर आया वो इस पर आया, इस पर तो असर नहीं आया. इट्स लाइक ऐसे समझ लो, एक टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, अगर आप इनपुट्स बढ़ा दोगे तो डोंट यू थिंक उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा अब स्प्रेड होगा लार्जर यूनिट्स पर, उस टेक्नोलॉजी का यूज़ तो हो सकता है वो फ़ायदे के बजाय नुकसान दे. सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर. मैथमेटिकली भी यू कैन सी इट इज़ अ DRS. अच्छा, CRS कब होता, जब ये ए बार इनसाइड आ जाता, तब तो फिर सबसे मल्टीप्लाई होता ना. सो अभी इन 5 एग्जाम्पल्स के थ्रू आई हैव ट्राइड टू शो यू कि कैसे आप CRS, IRS, DRS प्रूव कर सकते हैं. मैं अभी अगली वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स की ही प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसमें हम फर्दर इसकी प्रैक्टिस और करेंगे बच्चों. फिलहाल वापस आ जाते हैं. तो ये रिटर्न्स टू स्केल मैंने आपको सिखाया था, इसके बारे में थोड़ी थ्योरी और पढ़ते. व्हेन अ प्रोडक्शन फंक्शन शोज CRS, द प्रोडक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 इन इट्स इनपुट, बिकॉज
सपोज आपने वही टी से मल्टीप्लाई करा, इसको सॉल्व करा, ये आ गया आपके पास टी क्यू, वही आपका आउटपुट भी टी से बढ़ा। सो इफ अ फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री के, इट्स डेरिवेटिव्स आर होमोजीनियस ऑफ डिग्री के माइनस वन। दिस इंप्लाइज दैट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फंक्शंस डिराइव्ड फ्रॉम सीआरएस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो। ये सिंपल है समझना, एमपी ऑफ के, एमपी ऑफ एल फॉर एनी टी विच इज ग्रेटर देन जीरो। इन पर्टिकुलर हमने लेट किया टी इज वन बाय एल, ये इसको लगाया। Therefore, MP of any input depends only on the ratio of capital to labor, not on the absolute level, जो कि आप degree 1, degree 0 में या homogeneity में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। Suppose three labor, एक example और दे रहा हूँ। Suppose three labor units working with three units of capital can produce one unit of output. Further, this one unit of output can also be produced by two labor and four units of capital. तो RTS 1 हुआ ना, एक labor कम करा, एक capital बढ़ाया। We further assume that the production function shows CRS. Assume कर लेते हैं। This implies that now 6L plus 6K and 4L plus 8K shall be able to produce 2. So RTS is again 1. It's like double कर दिया production function, inputs को। Thus if the production function shows CRS, then such a function will be homothetic. Its isoquant will be radial expressions of one another along any ray through the origin, where the ratio k by l does not change. The slopes of successively higher isoquants are identical. यही मैंने यहाँ पे शो किया कि अगर वो CRS है, आपको पता है, कन्फर्म्ड है, तो वो होमोथेटिक फंक्शन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सर पेपर के लिए होमोथेटिक मेरे को कुछ बड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दो, तो मैं उसके लिए भी आपके साथ इसमें शेयर कर दूंगा। डोंट यू वरी अबाउट दैट। यहाँ तक क्लियर गाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बेटा इसके दो वर्जन्स हैं, एक जो भी आप प्रोडक्शन में कर रहे हो, एक मैं आपको कॉस्ट में कराऊंगा। पेपर में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने आता है, स्पेशली जब एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आता है, तो कॉस्ट वाला जो तरीका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, आपको वो ज़्यादा हैंडी लगेगा। बट अभी के लिए मैं आपको ये वाला तरीका भी सिखा रहा हूँ। So elasticity of substitution, well it means the degree of substitutability between two factors. Well it shows how easy or difficult it is to substitute one factor for another. It refers to proportional change in the ratio of factors divided by the proportional change in the MRTS. So it's like आप कितनी आसानी से एक factor को दूसरे factor के साथ substitute कर सकते हैं। सो ये जो सिग्मा है, ये इट इज़ अ साइन फॉर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो परसेंटेज चेंज इन लेबर और फैक्टर्स रेशो अपॉन परसेंटेज चेंज इन आरटीएस। ऑब्वियसली इसको सॉल्व करेंगे, ये ऐसा दिखेगा। हमने इसको लॉग की फॉर्म में दिखा दिए, क्यों दिखाया है? बिकॉज हम यहाँ पे स्मॉल चेंजेस के लिए जाना चाहते हैं। तो स्मॉल चेंजेस अगर आप देखना चाहते हो, तो लॉग के टर्म्स में अगर आपका फंक्शन है, तो उसको सीखना आसान रहता है। सो द वैल्यू ऑफ दिस elasticity of substitution shall vary between 0 and infinity. How? वो मैं भी आपको शो करता हूँ मेरे बच्चों। चलिए गाइस, तो अब मैं आपको कुछ प्रोडक्शन फंक्शंस के जो टाइप्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करके देता हूँ। टोटली चार होते हैं वैसे, मेन जो होते हैं। तो आइए पहला शुरू करते हैं, कॉब डगलस। वेल कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन विद प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन एज दिस। तो हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू बी नॉट एल बी वन के बी टू। इट कैन बी रिटन एज ए एल अल्फा के बीटा, वो आपकी मर्जी। सो अब मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इससे जो कॉब डगलस पर बेस्ड रहेंगी। पहला, अगर आपको एम पी ऑफ एल निकालना हो कॉब डगलस में, तो यार एम पी ऑफ एल क्या होता है? इस पूरे को डिफरेंशिएट करो एल से, दिस इज व्हाट यू गोना गेट। अब यहाँ पे मैंने एक चलाकी करी है, वो क्या करी है मैं बताता हूँ। जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो आप देख सकते हैं मैंने जान के इसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में ले लिया, ये प्रोडक्शन फंक्शन की तरह, और इसको मैंने लिख दिया एक्स बाई एल, एक्स इज माई प्रोडक्शन फंक्शन। यानी सिर्फ कॉब डगलस के केस में, माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन एक्चुअली हैव दिस कॉन्क्रीट जनरल सॉल्यूशन दैट एम पी ऑफ एल कैन बी ट्रीटेड एज ए पी ऑफ एल इन टू बी वन। सेम मैंने किया है एम पी ऑफ के में, इट कैन बी, यू नो, यू कैन राइट दिस लाइक दिस एज वेल, बट यू कैन ऑल्सो से ए पी ऑफ के इन टू बी टू शेल ऑलवेज बी एम पी ऑफ के। ये एक बड़ा ही एक स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन है, जो आपको पेपर में, इम्तिहान में सवाल वेरीफाई करने में भी हेल्प कर सकता है।
अब आते हैं MRTS। मैंने अभी आपको सिखाया था MRTS, तो MRTS का जो तरीका है वो क्या है, MP of L upon MP of K। सो दिस इज MP of L, दिस इज MP of K फ्रॉम हियर एंड दिस इज़ व्हाट यू गेट। आपको काफ़ी हद तक एक तरह से कंज्यूमर थ्योरी ही इसमें दिखेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगर कॉब डगलस में निकाल रहा हूँ इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला, मैंने आपको बताया ही, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 1। यानी याद रखना है कॉब डगलस के अंदर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फंक्शन होता है ये, और 1 होता है इसका वैल्यू। फैक्टर इंटेंसिटी, वेल ये अच्छी बात है, कहता है ये जो B1 है, B2, अगर B1 की वैल्यू ज़्यादा है तो आप समझ लेना आपके प्रोडक्शन फंक्शन लेबर इंटेंसिव है, अगर B2 की वैल्यू ज़्यादा है तो समझ लेना आपका प्रोडक्शन फंक्शन कैपिटल इंटेंसिव है। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। नाउ एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, कहते हैं नाउ सपोज दो फर्म्स हैं, उनके इनपुट सेम है, लेकिन स्टिल एक फर्म बी से बेटर कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है बताते हैं। देखो एल के B1 B2 ये सब सेम है, एल भी सेम, B1 भी सेम, K भी सेम, एल के सेम, B1 सेम, B2 सेम, फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक फर्म ज़्यादा बेटर प्रोडक्शन कर रही है, B0। तो B0 पे डिपेंड करेगा, वेल एफिशिएंसी कोफिशिएंट कहते हैं उसको। तो अगर आपका B0 अच्छा है, एफिशिएंसी कोफिशिएंट लाइक टेक्नोलॉजी का यूज़ आप बेटर करते हो एक गिवन टेक्नोलॉजी का उन्हीं इनपुट्स के साथ, तो ऑब्वियसली यू कैन गेट बेटर रिजल्ट्स। अब बात करते हैं रिटर्न्स टू स्केल, अगर आपको इसमें निकालना हो आपके कॉब डगलस में, तो ये तो मैं आपको एक स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन बता सकता हूँ यहाँ पर। इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था, तो ये चीज़ ना मैं अब उसके थ्रू आपके साथ शो करता हूँ एंड यू विल हैव लॉट्स ऑफ फन। आप देखिए इस केस में 0.5 प्लस 0.5 1 था CRS, 0.4 प्लस 0.7 IRS, यही मैंने यहाँ लिखा है। अगर B1 प्लस B2 ग्रेटर देन 1 है तो IRS, B1 प्लस B2 इज इक्वल टू 1 है तो CRS, B1 प्लस B2 लेस देन 1 है तो DRS। अब इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन जनरल मैं अभी पहले आपको सिखा के आ रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है विच यू कैन हैव अ लुक एट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चों, अदर प्रोडक्शन फंक्शन। तो एक तो हो गया परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, बिल्कुल वैसे ही ए के प्लस बी एल, वहाँ पर आप क्या लिखते थे, अब जब आप कंज्यूमर थ्योरी करते थे, यू रिमेंबर AX1 प्लस BX2, बिल्कुल सेम है और ये CRS शो करेगा। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, वहाँ पे भी मिन फंक्शन था, यहाँ पे भी मिन फंक्शन नहीं है। CES प्रोडक्शन फंक्शन, माइंडेड ये मैं भी आपको थ्योरी तो बता रहा हूँ जो रीडिंग्स में है, लेकिन जब मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल कराऊंगा तब बेहतर समझ आएगा CES, तो अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से मीनिंग समझ लीजिए। वेल दिस फंक्शन इनकॉर्पोरेट्स ऑल द 3 केसेस लाइक सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट एंड कॉब डगलस एंड अलाउज दिस वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन टू टेक ऑन ऑल अदर वैल्यूज। दिस फंक्शन इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर वे जिसमें ये रो है। सो इफ दिस इज ग्रेटर देन 1 IRS, दिस इज लेस देन 1 DRS, और CES फंक्शन के लिए आप RTS का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अप्लाइंग इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे रो की वैल्यू मेन रहती है, और वो क्या है, सो अगर सब्स्टिट्यूट है तो रो 1 होगा, कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो रो इनफाइनाइट होगा, कॉब डगलस है तो रो की वैल्यू 0 होगी। बट जैसे मैंने बताया, जस्ट थ्योरी गिवन इन द रीडिंग्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी, ताकि आप रीडिंग्स पढ़ें तो आपको ये हो कि हाँ ये कवर हो गया, बट इसकी एप्लीकेशन, इनफैक्ट सारे पूरे चैप्टर की एप्लीकेशन अगली वीडियो में जब मैं न्यूमेरिकल्स आपको बना के दूंगा तो आपको मज़ा आएगा करने में, एंड यू विल बी लाइक ब्रिंग इट ऑन प्रोडक्शन। कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो तभी होगा जब आप न्यूमेरिकल्स का वीडियो भी मेरा नेक्स्ट वाला देख लेंगे। आई होप एज फार एज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न, थ्योरी एस्पेक्ट्स अबाउट दिस प्रोडक्शन चैप्टर दैट हैव बीन टेकन केयर